हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है एक मिनी ब्लॉग और हॉल वीडियो। तो ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो है किनोकुनिया बुक स्टोर, जो कि बुगीज़ में है। उनका एक और बुक स्टोर है जो तकाशी माया बिल्डिंग में है, ऑर्चर्ड रोड पे। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टोर है और ये वाला स्टोर भी अच्छा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स अवेलेबल हैं आपके पढ़ने के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हो। फिक्शन, नॉन फिक्शन, थ्रिलर, लिटरेचर, हिस्ट्री, एज मच एज यू कैन थिंक ऑफ, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। एक काफ़ी बड़ा बुक स्टोर है। और इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर बुक जो आप ढूंढ रहे हो वो अवेलेबल है कि नहीं है। जो बुक खरीदी थी वो थी ये स्पीचेस दैट चेंज द वर्ल्ड। इस बुक के अंदर आपको काफ़ी सारी फेमस स्पीच मिलेंगी, और जैसे कि देख सकते हो आप सभी के नाम, अडॉल्फ हिटलर, प्रॉफेट मोहम्मद, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, ग्रेटा थनबर्ग, इन सभी लोगों की ग्रेट स्पीचेस के बारे में दिया हुआ है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है द सेलिब्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस बुक को एक्सप्लेन करती है। मैंने ये सारी बुक्स कल ही ली हैं, तो मैंने ज़्यादा कुछ अभी पढ़ा नहीं है, तो लेट्स सी कैसी रहती है। और ये बुक मुझे मिली थी 23 सिंगापुर डॉलर, $23.50, यू कैन सी। ओके, तो जो नेक्स्ट बुक मैंने ख़रीदी थी वो थी ये द ट्रांसलेटर ऑफ डिज़ायर्स, इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी को अगर आप नहीं जानते हैं तो ही वॉज अ फेमस मुस्लिम स्कॉलर, पोएट, फिलोसोफर, और ये 12th century के आसपास थे। और इन्होंने काफ़ी सारी पोम्स लिखी हैं, तो उसी के बारे में शायद ये सारी बुक है। यस, ये काफ़ी सारी पोम्स हैं उनकी लिखी हुई। मैं पढ़ूंगी और बताऊंगी कैसी लगी मुझे ये बुक। उसके अलावा जो थर्ड बुक है द लास्ट क्रूसेड, वास्को डी गामा के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। एक्चुअली मैं तो नहीं जानती हूँ, तो बस इतना ही कि उन्होंने इंडिया डिस्कवर किया था, तो उनका जो एपिक वोयाज है उसके बारे में ये बुक है। काफ़ी बल्की बुक है, आप देख सकते हो। तो लेट्स सी कैसी होगी ये। और ये बुक मेरे को मिली थी 32 अप्रॉक्स 33 सिंगापुर डॉलर्स में। और फोर्थ बुक जो मैंने ख़रीदी वो थी ये टाइगर्स ऑफ मैसूर बाय एलन मैलिसन। अच्छा, सबको ये पता है कि टाइगर ऑफ मैसूर कौन है, टीपू सुल्तान, लेकिन टाइग्रेस ऑफ मैसूर क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ये बुक ख़रीद ली। ये बुक मुझे मिली है 21.40 में, और $21.40 में। और लेट्स सी ये बुक कैसी निकलती है। तो ये चार बुक्स जो मैंने अभी ख़रीदी हैं, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में पहले किसका रिव्यू बनाऊँ। और पसंद आए तो लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और नई वीडियो कल आने वाली है मेरे नेक्स्ट रिव्यू की। तो ओके, थैंक यू, बाय।